गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। जैसा कि कल हमने आपको स्टैटिक चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 में प्रॉब्लम नंबर 2 और 1 और 2 बताया था, आज 3 पे आ जाएंगे कि डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। ए नंबर लेस देन नहीं, हम आपको 3 बताएंगे तो एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रिजल्टिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिगार्डिंग द नंबर डेट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। ए द सम इज ग्रेटर देन 8, बी 2 अकर ऑन द आइदर डाई, सी द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, आल्सो फाइंड ए कप बी, बी कप सी एंड ए कप सी, आर फर्स्ट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? जब ए कब बी की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हेन टू डाइस आर थ्रोन पॉसिबल सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ये आपका 36 इवेंट होता है क्लास 10th में भी हमने आपको बताया है। ए पे क्या कह रहा है? द सम इज ग्रेटर देन 4, सम जो है दोनों पे 4 से अधिक हो तो 3 6 4 5 5 4 6 3 6 4 5 5 6 4 5 6 6 5। बी क्या है? 2 आकर ऑन द आइदर डाइस, यानी 1 2, यानी किसी एक डाइस पे 2 होना चाहिए, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6। सी पे क्या कर रहा है? द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कम से कम 7 हो सम दोनों डाइस पे और वो 3 का मल्टीपल भी हो, 3 6 6 3 6 4 4 4 5 4 5 और 6 6। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंस ए कब बी इज इक्वल टू 5, क्यों 5 है? क्योंकि ए और बी में के नंबर्स कॉमन नहीं है और जो कॉमन नहीं होगा वो 5 होगा, तो ए और बी के नंबर कॉमन ना होने की वजह से ए कब भी 5 है, तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आई। बी कब सी की भी वैल्यू 5 है, बी और सी के भी, बी और सी के वैल्यू आपस में टेली नहीं कर रहे, कॉमन कोई नंबर नहीं हो रहा, इसलिए 5 होगा, तो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड पे सिंस ए कब सी इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं, इसमें कॉमन हो रहा है, देन ए एंड सी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आपका होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स आर डैश्ड वंस, 3 सिक्कों को उछाला गया, लेट ए डिनोट द इवेंट, 3 हेड शोज, बी 2 हेड्स एंड 1 टेल, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स एंड डी डिनोट द इवेंट ए हेड शोज ऑन द फर्स्ट पॉइंट्स, विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। देखिए व्हेन 3 पॉइंट्स आर डैश्ड, सिंपल स्पेस एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी 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 एच टी 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 एच टी टी, और ए पे क्या कह रहा है? 3 हेड्स शोज, यानी एच एच एच। बी पे क्या कह रहा है? 2 हेड्स एंड 1 टेल्स, 2 हेड हो और 1 टेल्स हो, तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच। सी पे क्या कह रहा है? 3 टेल्स शोज, टी 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 होगा। डी पे क्या कह रहा है? ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पे हेड आए, तो एच 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 टी एच टी एच एच टी टी। तो अब ए कब भी ना इक्वल टू 5, 5 होने की वजह से क्या होगा कि ए और बी के जो इवेंट है सिंपल स्पेस है वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो वो ए और ए जब आपस में वो नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, तो ये 5 होगा, यानी ए कब भी इज इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए कब सी इज इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनके काम आपस में वो मिल नहीं रहे हैं, नंबर कोई कॉमन नहीं हो रहा है। बी कब सी इज इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी कब डी इज इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अच्छा ए कब बी कब सी इज इक्वल टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए ए एंड सी आर सिंपल इवेंट, ये सिंपल इवेंट है ए और सी, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट, बी और डी जो है वो आपका कंपाउंड इवेंट है।